राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में आने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट में मतभेद सामने आ गए हैं और सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पायलट कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में पहली प्राथमिकता कांग्रेस के खून पसीना बहाने वाले विधायकों को मिलना चाहिए, तो वहीं गहलोत चाह रहे हैं कि जिन्होंने कांग्रेस के लिए पार्टी छोड़ी है उन्हें इनाम देना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पायलट को पता ही नहीं है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के 6 विधायक कांग्रेस का सदस्य बन गए हैं। बसपा विधायकों के कांग्रेस में आने के बाद पार्टी मजबूत हुई है या कमजोर हुई है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी के जो लोग कांग्रेस में आए हैं उन्हें किसी न किसी पद से नवाजा जाए, तो वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कह रहे हैं कि उन्होंने नैतिकता का सबसे उच्च मापदंड को दिखाया है, बिना किसी लालच के वे कांग्रेस के अंदर आए हैं। पायलट का ये राजनीतिक व्यंग गहलोत बखूबी समझ रहे हैं। पायलट ने कहा कि मेरे और प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे के दिल की बात मत पूछना। पायलट का ये दर्द लाजमी है कि कोई कांग्रेस का सदस्य बन जाए और राज्य में पार्टी के मुखिया के पास एक बार आकर भी न मिले। इन 6 विधायकों में से किसी ने भी अभी तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट से मुलाकात नहीं की है। कांग्रेस में आए बीएसपी विधायकों ने भी पायलट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, कहा हमारे नेता गहलोत हैं। तो ऐसे में भला कैसे न बिफरे सचिन पायलट। SPN 9 न्यूज के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट।